कंप्लीट डिटेल दीजिए भाई साहब इस गाय के बारे में। अभी बार्गेनिंग होगी जी इसकी, मतलब कोई रस्सी की छोड़ या मान सम्मान थोड़ा बहुत कर देंगे जी। कितने दिन की ब्याई है भाई साहब ये? आज होगी जी 4-5 दिन, 5 दिन की ब्याई है जी। बार्गेनिंग वाली गाय जो भी आपकी हो आप उसमें जरूर से बार्गेनिंग बताइएगा जी। अगली गाय के बारे में डिटेल ले लेते हैं। ये और कौन सा लैक्टेशन है जी? ये ठीक है जी। कीमत क्या डिमांड करोगे जी इसके लिए? फिक्स है जी। ठीक है, अभी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है जी, अभी निकाल। ठीक है जी, कीमत क्या रखोगी जी? सुंदर लंबी नाभि है। ठीक है जी भाई साहब, और दूध कितना बना लेगी जी? सेकंड लैक्टेशन में है जी। जी ठीक है जी, मान सम्मान के लिए है। ये मान सम्मान के लिए रख रहे हो? हाँ जी। साहब राम जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। भाई साहब यहाँ का एड्रेस बताइए जी आप सबसे पहले। सर जी एड्रेस है जी मेरा, गांव कमीनपुरा है। हाँ, और जिला श्री गंगानगर है, स्टेट राजस्थान। ठीक है जी भाई साहब, अपने मोबाइल नंबर और दीजिए जी। मोबाइल नंबर है जी मेरा 78528-26-862। ठीक है जी। व्यूअर्स ये नंबर मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ, आप इन नंबरों पर संपर्क करके इन गायों के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। यहाँ मैं बेहतरीन बेहतरीन शो क्वालिटी की गायें आज के वीडियो में अवेलेबल करवा रहा हूँ। साहब राम जी से इन गायों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, एक एक गाय को चलाकर भी दिखाऊंगा, कंप्लीट डिटेल भी लेंगे और इनकी कीमत भी जानेंगे। बेहद खूबसूरत गायें हैं आज के वीडियो में। भाई साहब किस प्राइस रेंज की गाय है जी? मिनिमम प्राइस क्या है जी आपका आज की वीडियो में? आज मेरा प्राइस है सर जी 30,000 से लगा के 59,000 रुपए तक है जी। 30,000 से लेके और 60,000 से कम की गाय है? कम की गाय है सब। 30,000 से 60,000 रुपए तक की गाय मान ले, 60 से कम आपने रखी है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, कंप्लीट डिटेल लेंगे आपसे, आप व्यूअर्स अंत तक वीडियो को जरूर से देखेगा, एक एक गाय को आपको चलाकर भी दिखाएंगे। सबसे पहले जो पहले नंबर पर गाय है जी, इसी के बारे में डिटेल ले लेते हैं, इसके बारे में डिटेल दीजिए जी। ये गिर गो माता जी। गिर? हाँ जी। गिर प्योर है या इसमें जी कुछ मिक्स है? थोड़ा सा मिक्स है जी, 10% राठी का जैसे। राठी का मिक्स है। हाँ जी। कंप्लीट 100% प्योर गिर नहीं कह सकते, लेकिन गिर के लक्षण इसके अंदर काफी अच्छे हैं। ठंडा स्वभाव है। कंप्लीट डिटेल दीजिए भाई साहब इस गाय के बारे में। अभी सर जी ये प्रेग्नेंट है जी। प्रेग्नेंट है अभी? हाँ जी, अभी निकाल रही है जी, 6-7 दिन आराम से ले जाएगी, अभी जोड़ी बहुत पड़ी है जी। 6-7 दिन और ले लेगी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसा व्यूअर्स आप देख पा रहे हैं जोड़ी अभी भी पड़ी है जी, लूज है। हाँ जी, इसमें टाइटनेस काफी अच्छी दिखेगी आने वाले दिनों में, काफी शानदार है, ठंडा स्वभाव है, गिर नस्ल की गाय है। दूध कितना बना लेगी जी आप, कितना बता रहे हो? सर जी फर्स्ट ब्यांद में 14 लीटर दिया जी इसने। फर्स्ट ब्यांद में 14 लीटर? हाँ जी। तो इस बार कितना निकाल देगी जी? अभी 15-16 किलो दूध तो डाल देगी आराम से। 15-16 किलो दूध इस बार निकाल देगी? हाँ, आराम से निकाल देगी साहब। ठीक है जी, कीमत क्या डिमांड कर रहे हो साहब? कीमत सर जी इसकी फिक्स कीमत करता हूँ जी 59,000 पे। फिक्स कीमत 59,000? सबसे हाईएस्ट प्राइस रेंज की यही गाय आपकी? यही माता जी। 59,000 यानी कि 1,000 कम 60,000 रुपए से 59,000 रुपीस जी सर। बार्गेनिंग होगी जी इसकी? मतलब कोई रस्सी की छोड़ी है, मान सम्मान थोड़ा बहुत कर देंगे जी। रस्सी की छोड़ी है, बाकी बार्गेनिंग नहीं है। बार्गेनिंग क्या है सर जी इसमें? ठीक है जी भाई साहब, बहुत शानदार गाय है जी आपकी। व्यूअर्स आपको गाय मैंने चलाकर भी दिखाई है, दूसरे नंबर पे गाय है, इसके बारे में डिटेल लेते हैं। इस गाय के बारे में कंप्लीट डिटेल दे दो जी भाई साहब। ये सर जी अभी अपने दूसरे ब्यांद में है जी, सेकंड लैक्टेशन में। हाँ जी। ये भी गिर क्रॉस है जी? ये जी थोड़ा साहिवाल का और थोड़ा गिर का क्रॉस है जी। साहिवाल और गिर का क्रॉस है? हाँ जी। कितने दिन की ब्याई है साहब ये? आज होगी जी 4-5 दिन, 5 दिन की ब्याई है जी। 5 दिन की ब्याई हुई है जी। और दूध कितना रेडी है जी अभी? दूध अभी सर जी 12-13 किलो रेडी कर रखा है जी इसने। 12-13 किलो? हाँ जी। और काफ क्या है जी इसके साथ? बछड़ा है जी साहिवाल का, मेल काफ है साहिवाल का। हाँ जी। गाय गिर क्रॉस है साहिवाल के अंदर, और बछड़ा इसके अंदर साहिवाल का है। जी जी। ठीक है, व्यूवर्स देख पा रहे हैं आप गाय काफी शानदार है, शांत सरल स्वभाव की है। दूध कितना बना लेगी जी इस ब्यांत में? ये दूध दे देगी सर जी 15+ कर जाएगी। 15+ कर जाएगी? हाँ जी। प्राइस क्या डिमांड कर रहे हो भाई साहब इस गाय के लिए? प्राइस इसका जी 46,000 रुपए जी। 46,000 रुपीज? हाँ जी, हाँ जी। ये भी फिक्स है या? फिक्स है जी, फिक्स है। बार्गेनिंग वाली गाय जो भी आपकी हो आप उसमें जरूर से बार्गेनिंग बताइएगा जी। सर जी अगली गाय के बारे में डिटेल ले लेते हैं आपसे। कस्टमर को जो बार्गेनिंग वाली कोई चीज लगेगी तो बार्गेनिंग करेंगे सर जी जरूर। अच्छा, गाय अगर बार्गेनिंग वाली होगी तो जरूर से बार्गेनिंग करेंगे। कस्टमर को भी पता चलना चाहिए, ठीक है भाई साहब ने पैसे मांगे हैं, गलत है कि सही है। वो कस्टमर पे निर्भर है जी। वो कस्टमर पर निर्भर करता है कि वो देख के सिलेक्ट करके बताए कि ये गाय बार्गेनिंग वाली है या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई साहब, अगली गाय के बारे में डिटेल ले लेते हैं। ये साहिवाल का क्रॉस है सर जी। ये साहिवाल क्रॉस है? हाँ जी। साहिवाल और राठी? हाँ जी। या कोई और ब्रीड भी क्रॉस है जी? नहीं, राठी। राठी? हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, और कौन सा लैक्टेशन है जी? ये सेकंड लैक्टेशन है जी। सेकंड लैक्टेशन है? कितने दिन की बेबी होगी भाई साहब? ये आज होगी जी
छह दिन है जी आज ब्याई को। छह दिन की ब्याई भी होगी। हाँ काफ क्या है जी ये साथ में? बछड़ी है साहब इसके। ये फीमेल काफ है? हाँ जी, ये इस गाय के साथ फीमेल काफ है। व्यूअर्स आप देख भी पा रहे हैं, काफी खूबसूरत है बछड़ी और गाय की अडर क्वालिटी भी बेहतरीन है। थन पतले मुठिया थन है और अडर बड़े साइज का है। दूध कितना बना लिया है जी अभी? दूध अभी सर जी 6 दिन की ब्याई है जी, इसने भी 12-13 किलो तैयार कर रखा है जी। 12-13 किलो अभी तैयार कर रखा है। और हाईएस्ट पीक पे कितना चले जाएगी जी? करीबन सर जी 15 लीटर के आसपास की उम्मीद कर रहे हैं जी। 15 लीटर के आसपास आप उम्मीद कर रहे हो इस गाय से? ठीक है जी। कीमत क्या डिमांड करोगे जी इसके लिए? कीमत इसकी जी 37,000 रुपए फिक्स है जी। 37,000 37,000 रुपए? हाँ जी 37,000 रुपए इस गाय के लिए प्राइस आपकी? हाँ जी फिक्स है। फिक्स है जी। ठीक है जी भाई साहब, अगली गाय के बारे में भी डिटेल दीजिए जी। ये थर्ड पार्कर और हरियाणवी में थोड़ा मिक्स है जी। ठीक है, ये लाल गाय को थोड़ा हटाइए जी। हाँ ये आपकी गाय थार पार्कर और हरियाणवी मिक्स है कुछ जी। कौन सा लैक्टेशन है जी इसका? अभी इसका ही सेकंड है जी। ये सेकंड लैक्टेशन में दूसरे ब्यांत के अंदर है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, अभी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है जी, अभी निकाल रही है 8-10 दिन। 8-10 दिन निकालेगी? हाँ जी 8 दिन निकाल जाएगी। 8-10 दिन निकाल जाएगी, हफ्ते भर के आसपास मान ले। हाँ जी हफ्ते भर के आसपास ये ब्याने में ड्यू है इसको। हाँ जी। ठीक है भाई साहब, और दूध कितना बना लेगी जी? सर जी इसने फर्स्ट ब्यांत में 13 लीटर दूध दिया जी। 13 लीटर? हाँ जी। इस बार कितना उम्मीद कर ले जी? अभी देखो जी हमारी उम्मीद तो 15 के आसपास है, 14 तो पक्का है जी। 14 पक्का है? हाँ। ठीक है जी, कीमत क्या रखोगे जी? कीमत सर जी इसकी फिक्स रखेंगे 36,500। 36,500? हाँ जी। 36,500 रुपीज? हाँ जी। 36,500 रुपए? हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, अगली गाय के बारे में डिटेल दे दो जी। ये राठी गौ माता जी। ये राठी नस्ल है? हाँ जी राठी नस्ल है और सुंदर बॉडी स्ट्रक्चर है नस्ल की राठी और शानदार इस गाय की कदकाठी। मीडियम साइज की गाय रहती है राठी नस्ल में, भारी झालर है, गलकम्बल भारी है, मीडियम साइज के सींग, एवरेज साइज का हम्प है, सुंदर लंबी नाभी है, मुठिया थन है। प्रेग्नेंट है जी ये? हाँ जी अभी प्रेग्नेंट है जी। कितने टाइम की जी? अभी सर जी ये निकालेगी 20 और 25 दिन लेगी जी। 20 और 25 दिन अभी ब्याने में ड्यू है? हाँ जी। ठीक है, लगभग 1 महीने के आसपास मान ले? भाई 1 महीना नहीं लेगी सर जी, 21 दिन। 1 महीना नहीं लेगी, लगभग 20 दिन के आसपास लेगी। अभी ऑर्डर चालू हो गया सर जी, अभी बनाना ऑर्डर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी। ठीक है भाई साहब, और दूध कितना बना लेगी जी? दूध सर जी इसने फर्स्ट ब्यांत में दिया है जी 13 किलो। 13 किलो फर्स्ट लैक्टेशन में दिया है? हाँ जी अभी सेकंड में है जी। अभी सेकंड लैक्टेशन में है? जी जी जी। ठीक है जी, और कीमत क्या रखी है भाई साहब? कीमत इसकी है जी 31,500। 31,500? जी जी। ये 500 रुपए आप बार्गेनिंग के लिए रख रहे हो जी? मान सम्मान के लिए है 500। ये मान सम्मान के लिए रख रहे हो? हाँ जी। और ये ऊपर का जो 1,000 है ये भी मान सम्मान है या ये भी कम हो जाएगा? सर जी इसमें तो 5,500 रुपए का मान सम्मान होता है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए। ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का? ज्यादा आगे वाला करता तो 1,000 रुपए का होता जी। 1,000 रुपए का होता है। ठीक है जी भाई साहब, अगली गाय के बारे में डिटेल ले लेते हैं। इस गाय के बारे में डिटेल दीजिए भाई साहब। ये सर जी गदरी राठी है, अपने फर्स्ट ब्यांत में है जी। ये गदरी राठी है और फर्स्ट लैक्टेशन में है। हाँ पहले ब्यांत के अंदर? पहले ब्यांत के अंदर। अच्छी हाइट लेंथ है, पहले ब्यांत के अंदर ऐसी हाइट काफी रेयर देखने को मिलती है इस गाय में जैसी है। कंप्लीट डिटेल ले लेते हैं भाई साहब से। क्या उम्र होगी जी इसकी? इसकी अभी उम्र हुई है सर जी करीबन 3-1 साल के आसपास हुई है, 3 साल जी। और मुंह से कितने दांत है जी? अभी 2 ही दांत है जी। मुंह से 2 दांत है? हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, और कितने टाइम की प्रेग्नेंट है जी अभी? ये सर जी अभी 2.5 महीने खुले ले जाएगी जी। 2.5 महीने खुले ले जाएगी? हाँ जी। तो ये माने जी लगभग 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है? नहीं जी 7 महीने प्लस कर गई जी। 7 महीने प्लस कर गई है? ठीक है जी भाई साहब, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाई है आपने? बिल्कुल सर जी। बायर जो भी खरीदे उसको प्रेगनेंसी टेस्ट करवा के दोगे जी? बिल्कुल सर, हमने तो करवा रखी है, जो भी मेरा भाई लेके जाता है अपने घर जाके खुद चेक करवा सकता है जी, वो खुद चेक करवा सकता है। हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, और दूध का कितना उम्मीद करें जी इस गाय से? सर जी इसकी मदर का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, सेकंड बार का मदर का कितना मिल्क रिकॉर्ड है जी? 16 लीटर प्लस रहा जी। 16 लीटर प्लस फर्स्ट लैक्टेशन में? हाँ जी। पहले ब्यांत में? पहले ब्यांत में। बहुत ही मुश्किल होता है जी इतना दूध बनाना। बाकी सर जी खुद आप दे सकते हो जी हाइट लेंथ गाय में क्वालिटी, क्योंकि हाइट लेंथ में दूध मिलना जी। हाँ हाँ हाँ। इसकी मदर का बहुत रिकॉर्ड था जी, 6 फुट की हाइट थी इसकी। 6 फीट की हाइट थी इसकी। हाँ मदर की भी? हाँ जी। ठीक है जी, प्राइस 5 से कम नहीं है सर जी। प्राइस क्या डिमांड कर रहे हो भाई साहब? प्राइस जी दे देंगे जी 34,000 की फिक्स। 34,000? 34,000 रुपीज फिक्स में ये दे देंगे? हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, आपने जो गायें दिखाई है सभी की सभी शानदार है। व्यूअर्स आपको इन गायों में से कौन सी गाय अधिक पसंद आई आप हमें कमेंट करके बताइएगा।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। व्यूवर्स, जो गाय मैंने इस वीडियो में कवर कर दिखाई है, इनमें जो भी गाय पसंद आई हो, आप स्क्रीन पर मेंशन किए गए नंबरों पर, स्क्रीन पर जो नंबर मेंशन किए गए हैं, इन पर गायों का स्क्रीनशॉट लेकर भाई साहब से उस गाय के बारे में कंप्लीट डिटेल ले लें। आशा करता हूँ वीडियो भी आपने यहाँ तक पसंद किया होगा। पसंद है तो लाइक ज़रूर से करें, और साथ ही साथ साहब राम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसी शानदार गायें दिखाई जी। भाई साहब राम राम जी। राम राम जी।